चलता हूँ दादी। नहीं, हम अंग्रेजी हीरो को जाते हुए नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखे, हम तो बहुत टाइम पे लीजिए। खुश रहो, जल्दी जाओ बेटा, खुश रहो, खुश जीता रहे बेटा, जीता रहे। Have a safe journey. अंग्रेज हीरो को रोकने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। कैसे रहेंगे हम उनके बगैर? नंदनी, ये लो तुम्हारी किताब है। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए टीचर भी बुलवाया है। चीरों को जाने से पहले रक्षा लगा तो माना ही नहीं हमने। चले भाई, कि यही खड़ा रहेगा। चल, फ्लाइट छूट जाएगी, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, ठीक है? आ जा। मैं तुझे जाते हुए नहीं देख सकती आकाश। वो आखिरी बार मिलने भी नहीं आई। अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो। आपकी इस लंबे सफर में आपको बहुत मुश्किलें मिलेंगी ना।
आपके साथ उन मुश्किलों से लड़ तो नहीं सकते, पर उन मुश्किलों से आपकी रक्षा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। काला धागा आपकी रक्षा करेगा। दादी को नहीं रुलाने की जिम्मेदारी ली है तो तुम क्यों रो रही हो? देखो मैं जानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो काम मैंने और दादी ने मिलकर नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने उन सबको साथ जोड़े रखा, उसके लिए बहुत थैंक यू। और सुनो, मेरे जाने के बाद पढ़ाई बंद मत करना, हाँ? किसी अच्छे से टीचर को ढूंढ के अच्छे से पढ़ाई करना, दादी का ध्यान रखना। जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगा ना तो तुम्हारा टेस्ट लूंगा, कोई शरारती मत करना। तुम जा रहा हूं मैं। चले गए दादी माँ। हमें हमें बहुत बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। दादी माँ दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जिसका उसके बच्चे को बेचते हुए दिल ना घबराए। बाकी अब फिक्र मत कीजिए, हम लोग के हाथ में रक्षा धागा बंद है, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम भी तो रो रही हो ना। जाने वाले के साथ जज्बा छोड़ जाए तो थोड़ा मन भारी हो ही जाता है ना। नहीं रो क्या, से मना किया है ना, फिर क्या रो रही है? मैं नहीं रो रही, मैं कहाँ रो रही हूँ? मेरे पोते के सपने पूरे हो रहे हैं, मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही, मैं क्यों रो, मैं क्यों रो? मेरे मेरे पोते का सपना जो पूरा होने वाला है, मैं क्यों रो? अब खुशी के लिए हमने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, उनकी उनकी दिली वाली किताब भी गायब कर दी थी। तेरे बच्चे की वजह से वो अब चकिली हो गया और वो सुखा कर रहेंगे उसे।
नहीं रुक पाया बुरे तानिबा। ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया ना, पति पत्नी का पूरा परिवार होता है। आज वो चले गए तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पूरा परिवार उजड़ गया हो। नहीं समझ पा रहे कि कैसे रहेंगे उनके बगैर। उनसे प्यार करने लगे थे दादी बाबू। नंदिनी बेटा अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो। बस दादी, वरना हंसते हंसते मेरा पेट फट जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई रस्सी पे लैपटॉप कैसे टांग सकता है, और बिना आलू के कुकर। और हद तो तब हो गई जब वो वॉशिंग मशीन में दाल खिचड़ी। दादी एक बात बताओ, ये अपना घर है या फिर सर्कस बन गया है? वैसे नंदिनी के नाम पर ना एक बुक छपनी चाहिए, गाँव की गवार बहू के नाम से, क्या कहते हो? बहुत होगी हंसी ठिठोली, अब हमारी बात कान खोल के ध्यान से सुन। ये सब हम तुझे एंटरटेन करने के लिए नहीं बता रहे, ये सब हम तुझे इसलिए बता रहे ताकि तुझे भी पता चले कि वो नंदिनी कितनी बड़ी बेवकूफ है। और सुमित्रा ने ऐसी बेवकूफ को पूरे बिजनेस की चाबी दे दी। अब जैसे टैटर मोटर वाली तेज फटफटिया चलती है ना, वैसे ही अपने दिमाग को तेज से दड़ा ताकि भारद्वाज इंडस्ट्री को बिजनेस में बुलंदियों तक पहुंचा सके और सारी की सारी ताकत तेरी मुट्ठी में हो। ठीक है दादी, मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन ये नंदी है तो इंटरेस्टिंग, इसके साथ काम करने में मजा तो आएगा। किससे पूछ के तू मेरे रूम में रुकी? आइंदा से मेरे रूम में आने से पहले पूछ लेना, इस कमरे में मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा मतलब निजी जिंदगी है, और तू मेरी निजी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं बनी। काम करो, तू मेरे कमरे में चलो, तुम यहां सेफ नहीं हो। आप हवाई जहाज में हमें बैठे भी नहीं होंगे कि हमें अभी से आपकी याद आ रही है। सच कहे तो आपको देखने का मन हो रहा है, आपसे लड़ने का मन कर रहा है, आपसे पढ़ने का मन कर रहा है। वापस आ जाइए ना अंग्रेजी हीरो। अंग्रेजी हीरो वापस आ गए। ओ चमावे।
चंद घंटों की जुदाई में तुम रोने लगी। अच्छा सोचो अगर हमेशा के लिए वापस नहीं आता तो। ऐसी बातें नहीं करते, भगवान ने आपको सिर्फ हमारे लिए बना के भेजा, आपको तो वापस आना ही होता ना। जैसे अशुभ बातें की आपने तो सीता मैया, हमारे अंग्रेजी हीरो को कुछ मत होने देना, उनकी सारी विपदा आप पर आ जाए, उन्हें एक आज भी मत आने देना। दादी माँ कहाँ जा रही है आप? आकाश जब से गया है बहुत बेचैनी हो रही है, मैं हनुमान घड़ी जा रही हूँ, हो सकता है थोड़ी देर उधर बैठूंगी ना, शांति मिल जाएगी। जी आप हो आई, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं नहीं दादी माँ आप जाइए ना, हमें घर के कुछ काम है वो खत्म कर लेते हैं। वैसे दादी माँ ये क्या है? ये हमारे आकाश के पुराने खिलौने, हमने हमारी अलमारी खोली ना तो उसमें से मिले, हम इसे वहां पर गरीब बच्चों को बांट देंगे आकाश के नाम से, तो उसे आशीर्वाद मिलेगा। बचपन में सूरज और नील से डरकर वो सब अपने खिलौने मेरे कमरे में छुपा देता था। बचपन में जब नील गिर जाता था ना तो उसकी माँ कामया उसके घावों को पोंछती थी, लेकिन मेरे आकाश को जब घाव लगता था ना तो कोई नहीं था, तब से मैं उसके लिए उसकी माँ बन गई। सब लोग मुझे दादी कहते हैं, लेकिन आकाश के लिए मैं दादी माँ बन गई। बचपन में वो मेरे पल्लू पकड़ के खेलता रहता था, लेकिन आज देखो वो मुझ से कितना दूर चला गया। काश वो बचपन का आकाश वापस आ जाए, मेरे पल्लू पकड़ कर मेरे आंचल में रहे। मैं भी सब क्या लेकर बैठ गई हूँ, हम मंदिर जाके आते हैं। भैया क्या किया? भैया क्या हुआ सूरज, तू इतना परेशान क्यों? भैया पहले आप मुझे ये बताइए कि आकाश कौन सी फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था? AK-2010 दिल्ली टू शिकागो। बता तो सही हुआ क्या? भैया अभी अभी न्यूज आई है कि दिल्ली टू शिकागो जो फ्लाइट थी उसका क्रैश हो गया है, कोई नहीं बचा। कमिया क्या है, कहीं तूने अपने चाचा मामा को कह के यह हवाई जहाज क्रैश में करवा दिया? अरे किसी के चाचा मामा में इतना दम नहीं कि प्लेन क्रैश करवा दे, ये तो भगवान की मर्जी है। बुरा तो हमको भी लगा, लेकिन इससे ज्यादा बुरा हमको तब लगेगा
जब ये बात सुमित्रा को पता चलेगी और वो अपने छाती पे हाथ रखकर हाय 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 कहके गिर के मर जाएगी। बुरा मत लगाइए सासुमा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की मर्जी और हमारी ख्वाहिश एक ही है। तभी तो आकाश भी गया और कुछ ही देर में सुमित्रा चाची को भी ले जाए, फिर तो पूरे घर पे हमारा कब्जा होगा, बिजनेस में नील का कब्जा होगा। तू घबरा मत, घर पे कोई भी चीज पे तू भी कब्जा कर लेना। ए लंबू तोड़ी, ऐसे कहाँ देख रही है, हमरे सिर पे क्या सींग निकल रहे हैं? सींग नहीं, मालकिन का ताज नजर आ रहा है। ताज? मतलब हम रानी महारानी पटरानी है? हे कमिया, हमको तो चंडो रानी से बहुत ही डर लग रहा है। सुमित्रा ने इसे बाबर वठनी जो दे दी है। डरना क्यों है सासुमा? जब आकाश चला गया, सुमित्रा चाची भी चली जाएंगी, तो वो चंटो इस घर में रह के क्या करेगी? निकाल फेंकेंगे उसे भी। ये चंटो हमें बहुत अखड़ने लगी है इस वक्त। कुछ भी कर इसको जलील करके धक्के मार के फेंक दे इस घर से बाहर। ये प्लेन कस्बा का होता है और आप सब रो कह रहे हैं। नंदनी वो बताइए ना, हुआ क्या है? नंदनी, जिस प्लेन से आकाश जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई नहीं बचा, हमारा आकाश भी नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.